आप सभी का स्वागत है वीकली गेमिंग न्यूज के 42nd एपिसोड में। तो हर हफ्ते जैसे इस हफ्ते भी आप सबके लिए बहुत ही कमाल के अपडेट्स ला चुके हैं, जैसे कि सर्वे सर्फर 2 जैसा गेम हमारे मोबाइल डिवाइस में रिलीज हो चुका है, साथ ही साथ एपिक्स लेजेंड मोबाइल का ग्लोबल प्री रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से एक कमाल का फीचर्स निकल के आ चुका है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इसके अलावा भी बहुत सारा अपडेट्स है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहीं भी ये एपिसोड पसंद आ जाए लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर सकते हो ताकि उनके पास भी ये सब अपडेट पहुंच सके। और चैनल पे नए आ चुके हो, हर हफ्ते इसी तरह से गेमिंग न्यूज के एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। तो चलो यार सबसे पहले अपडेट की तरफ चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो समय आ चुका है, यानी एपिक्स लेजेंड मोबाइल का ग्लोबल प्री रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है गूगल प्ले स्टोर पे। अभी तक आपने प्री रजिस्टर नहीं किया है, ऑब्वियसली सारे के सारे दोस्त कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपने जब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, जल्दी से जल्दी प्री रजिस्टर कर लो क्योंकि बहुत ही जल्दी ये गेम ग्लोबली रिलीज होने वाला है। हालांकि कब रिलीज होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये जो न्यूज है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं, जो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। सिर्फ यही नहीं, अनाउंसमेंट के साथ साथ एपिक्स लेजेंड मोबाइल का ट्रेलर को भी लॉन्च कर दिए हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके देख सकते हो। उसके अलावा आप ट्वीट में पढ़ सकते हो न्यू लिमिटेड टाइम गेम मोड इवेंट्स और रिवॉर्ड, ये सब जो चीजें हैं ग्लोबल लॉन्च के बाद ही आपको गेम में मिलेगा। अभी अगर आप सॉफ्ट लॉन्च खेल रहे हो तो खेलते रहो, कंटिन्यू करते रहो, जब सॉफ्ट लॉन्च एंड होगा उसके बाद आपको गेम को अनइंस्टॉल कर लेना है और प्री रजिस्टर करके रखना है ताकि आपको ये सब रिवॉर्ड मिल सके। तो हमारा जो दूसरा अपडेट आ रहा है एक नए गेम से, मेट्रो लैंड एंडलेस आर्केड रन। नाम से ही आप पता लगा चुके होंगे कि ये सर्वे सर्फर जैसा गेम है जिसमें आप एंडलेस रन कर पाओगे। इस गेम को भी फिलहाल एंड्रॉइड प्लस iOS दोनों में डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड्रॉइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किलो के बारे में आपको पता है, इनके डेवलपर है, इससे पहले उन्होंने सर्वे सर्वर जैसे गेम को क्रिएट किए हैं, तो उसी जैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको मेट्रो लैंड एंडलेस आर्केड रन से मिलेगा। इस गेम में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी है, आप अलग अलग सिटी में रन कर सकते हो, कॉइन्स को कलेक्ट करना है। अगर आप टेम्पल रन, सबवे सर्फर और उसके अलावा जो भी फिलहाल कुछ दिन पहले गेम आया था एंडलेस रन कैटेगरीज का, उन सब गेम्स को खेल के एंजॉय करते हो तो इस गेम को भी आप खेल के बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। GDC एक इवेंट होने वाला है बहुत ही जल्दी, यानी कल 21 मार्च से लेके 25 मार्च तक ये इवेंट चलेगा सैन फ्रांसिस्को में, और उसमें पार्टिसिपेट की है NetEase जो एक बहुत ही कमाल के मोबाइल गेमिंग कंपनी है। ऑब्वियसली सभी दोस्तों को NetEase के बारे में पता तो होगा ही, लेकिन काफी सारे ऐसे गेम है जो फिलहाल इंडिया में बैन है तो उसको हम साइड में रख देते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अपडेट क्या है, ये जो GDC का कॉन्फ्रेंस है बहुत ही बड़ा माना जाता है, काफी सारे गेमिंग डेवलपर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार जो है NetEase भी पार्टिसिपेट किए हैं। टोटल 26 प्रपोजल सबमिट किए हैं उनके तरफ से, यानी बहुत कुछ इस इवेंट में होने वाला है। तो इन 4 दिनों में पता चल जाएगा कि 2022 का NetEase का प्लान क्या है। मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस में उनके तरफ से कोई भी गेम का अनाउंसमेंट तो नहीं होगा, लेकिन जितनी भी सारे गेम्स इन फ्यूचर उनके तरफ से आएंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब NetEase के तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स रिलीज हो सकते हैं। कब रिलीज होगा, कौन सा गेम होगा, इसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा, समझ रहे हो। चौथा जो अपडेट है प्ले स्टोर के एक फीचर से आ रहा है। अगर आपको बोला जाए कि आप बिना डाउनलोड करके गेम को खेल सकते हो, या फिर डाउनलोड करने के वक्त आप गेम को खेलते हुए चेक कर सकते हो कि वो गेम अच्छा है या फिर बुरा है, तो ये सपना जो है आपका सच होने वाला है। जुलाई 2021 को प्ले एज यू डाउनलोड का फीचर्स अनाउंस किया गया था गूगल की तरफ से, और बताया जा रहा है कि ये जो फीचर्स है एंड्रॉइड 12 वर्जन के डिवाइसों में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन सभी गेम्स को आप डाउनलोड करने के टाइम खेल तो नहीं पाओगे, जैसे इससे पहले एक फीचर्स लॉन्च हुआ था ट्राई इट, मतलब डाउनलोड करने से पहले गेम को ट्राई करो, उसके बाद आपको जब अच्छा लगे गेम को खेलो, तो उसी तरह से ये भी फीचर्स काम करेगा। ये टोटली डेवलपर के ऊपर है कि इस फीचर्स पे वो काम करेंगे या फिर नहीं। तो हमारे जो अगला अपडेट आ रहा है जेनसिड इंपैक्ट गेम से, 2.6 का अपडेट जो है बहुत ही जल्दी रोल आउट होने वाला है। उसका ऑफिशियल डेट भी सामने आ चुका है जो है 30 मार्च 2022। इस अपडेट का नाम दिया गया है जेफिर ऑफ द वाउलेट गार्डन। इस अपडेट में भी आपको पिछले अपडेट जैसा नया कैरेक्टर, काफी सारे रिटर्निंग कैरेक्टर भी इसमें ऐड होंगे, इवेंट्स भी होंगे, रिवॉर्ड्स भी होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं
जब आप इस गेम को अपडेट कर लोगे तो धीरे धीरे आपको खेलने को मिल जाएगा। हम इस गेम को काफी दिनों से नहीं खेले हैं। अगर आप अपडेट का वेट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 30 मार्च तक वेट करना है, उसके बाद ही आपको 2.6 का अपडेट मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड का आखिरी अपडेट है एक नए गेम से जो फिलहाल एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए ही रिलीज किया गया है। अगर आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखते होंगे इस गेम के बारे में ऑलरेडी पता होगा, जिसका नाम है T3 अरेना। ये एक 3v3 मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जो एक्सक्लूसिव टैप टैप पे ही रिलीज किया गया है। यानी इसका मतलब है कि ये गेम फ्यूचर में भी गूगल प्ले स्टोर पे नहीं आएगा। गेम डिसेंट सा है, काफी अच्छे ग्राफिक्स भी है। इसमें आप अलग अलग हीरोज को यूज कर सकते हो, उनका अलग अलग स्किल भी है, उनको अपग्रेड भी कर पाओगे, डिफरेंट गेम मोड्स भी है, बहुत कुछ है। जब आप इस गेम को खेलोगे तो आपको मजा जरूर आएगा। तो अगर आपको जानना है गेम कैसा है, कैसे इस गेम को डाउनलोड करना है, कितना साइज है, क्या क्या फीचर्स है, तो हमारे उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये गेमिंग न्यूज का एपिसोड आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताओ आज की इस एपिसोड में आपके हिसाब से बेस्ट अपडेट कौन सा था। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को। और चैनल पर नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो एंड्रॉइड गेम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।